हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से ऑलरेडी क्लियर है कि आज के वीडियो में हम करने वाले हैं शीन हॉल, और ये शीन से शॉपिंग करने का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, शीन एप्लीकेशन बहुत ज़माने पहले आ चुकी थी लेकिन मैंने अभी तक शॉपिंग करी नहीं थी यहाँ से। रीज़न बीइंग कि मेरे साथ ना साइज़ का बहुत ज़्यादा झोल होता है, और शीन पर रिटर्न पॉलिसी का क्या कैसा हिसाब किताब है इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, और इसीलिए जितनी भी शॉपिंग मैंने करी है ना, सारी ऐसी चीज़ें ही मंगवाई हैं कि साइज़ में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसको तोड़ करके ठीक करवाया जा सके। और ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो भी प्रोडक्ट्स आप मंगवाते हो उसकी लिस्ट आपको यहाँ सामने ही मिल जाती है। तो इस बड़े पैकेट के अंदर भी ये सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी कपड़े मैंने मंगवाए हैं वो सारे इस तरह के जिपर में रैप होके आए हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पैकेजिंग इनकी काफ़ी अच्छी है। ओके, सो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं पहला पैकेट। और इसके अंदर से नाइट सूट निकला है, और शीन पे नाइट सूट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है। ये सैटन का फैब्रिक है, और थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीदें थी मुझे इसकी सॉफ्टनेस से, पर ये उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बट ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। सो कुछ इस तरह का नाइट सूट है ये। ऊपर आपको शर्ट मिल जाता है, इसमें जो स्मॉलेस्ट साइज़ था वो था एस, और मैंने एस ही मंगवाया है। अब इसकी फ़िटिंग वगैरह पहन करके पता चल जाएगी, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी। और ये रहा इसका पजामा, और ये बो देने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, इसको मैं निकाल ही दूंगी। और प्राइस वगैरह मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि इन सबका प्राइस चेंज होते रहता है, तो बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि इसका करंट प्राइस कितना चल रहा है। नेक्स्ट पैकेट में से निकला है ये एक ब्लेज़र टाइप का कुछ, इसका प्राइस मैंने पे किया है आई थिंक 300 रुपये, और ये बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा था इसलिए मैंने मंगवा लिया था। इसका वैसे जो प्रिंट प्राइस था वो था 1000 रुपीज़, और डिस्काउंट के बाद ये मिल रहा था 300 रुपये का, तो मुझे लगा कि अगर प्रिंट प्राइस 1000 रुपीज़ है तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल श्रग जैसा ही है, और हल्की फुल्की सर्दियों में आप इसको कैरी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं पहन पाओगे। लेकिन इमेज में देखने पर लग रहा था कि ये काफ़ी हैवी ब्लेज़र होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, बट ठीक है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा दुख नहीं हुआ इसे देख के, 300 रुपये के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट पैकेट खोल के देख लेते हैं। और इसके अंदर से आई थिंक एक टॉप निकला है, जो इस तरह के टॉप्स आपको शीन पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। इस टाइप के टॉप्स ना मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को पहने हुए देखा था अपने वीडियोस में, और मेरा भी मन था कि कुछ हो मेरे पास इस तरह का, तो जैसे मुझे मेरे साइज़ में अवेलेबल दिखा मैंने फटाफट से इसे अपने कार्ट में डाला और ऑर्डर प्लेस कर दिया। कलर इसका जैसा इमेज में दिखाया गया था बिल्कुल वैसा ही है, पीच कलर दिखाया था और पीच कलर ही ये है भी, और पीच के अलावा भी बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल था, ब्लैक, ब्लू, पिंक, वाइट, रेड, और बेस्ट मुझे ये पीच ही लगा, और पीच कलर मेरे ऊपर थोड़ा अच्छा लगता भी है। और इसी के साथ नेक्स्ट पैकेट में से भी ये पीच कलर का नाइट गाउन निकला है, और इसकी लेंथ तो बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी स्मॉल साइज़ के हिसाब से। और यहाँ स्लीव्स में आपको बेल स्लीव्स मिल जाती हैं जिसमें ये बहुत ही प्यारी सी लेस लगी हुई है, और नाइट गाउन्स और नाइट सूट्स के मामले में ना शीन बेस्ट है, मतलब जैसा कलेक्शन आपको शीन पे मिलेगा वैसा कहीं और नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ज़रूरत है ना नाइट सूट्स की, नाइट गाउन्स की, तो आप शीन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, आपको जो स्टफ़ मैं दिखा रही हूँ ना यहाँ पे उससे भी बेटर कलेक्शन मिल जाए। और बस ये लास्ट पैकेट बचा है, और इसके अंदर से भी एक स्लीप पेयर ही निकलेगा। कलर आपको पैकेट के अंदर से भी दिख ही गया होगा कि ग्रीन सा है, और ये मैंने एक्सेस साइज में मंगवाया है, लेकिन ज़्यादा कुछ डिफरेंस लगा नहीं मुझे स्मॉल में और एक्स्ट्रा स्मॉल में। सो फैब्रिक की क्वालिटी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, स्किन पे ना थोड़ा रफ भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा रफ तो नहीं है लेकिन जैसी क्वालिटी मैंने एक्सपेक्ट करी थी वैसा नहीं निकला ये। सो गाइस, जितनी चीज़ें मैंने मंगवाई थी सारी आपको दिखा दी हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी थी मैंने क्योंकि फर्स्ट शॉपिंग थी शीन से, और ठीक लगे मुझे इनके प्रोडक्ट्स। जितना प्राइस मैंने आफ्टर डिस्काउंट हर प्रोडक्ट के लिए पे किया है उसके हिसाब से क्वालिटी सही थी। अगर इनमें से आपको भी कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ आगे देखते रहने के लिए। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।